आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कैसे एक बिजली की लाइन और दूसरी सोलर की लाइन और तीसरी जनरेटर की लाइन, यानी कि हमारे पास तीन तरीके की लाइन है और हमें अपने घर की लाइन, घर की सप्लाई को तीनों मेन लाइन यूज़ करनी है। जैसे कि बिजली नहीं है तो हम सोलर की लाइन चला सकें, अगर सोलर नहीं चल रहा है तो जनरेटर की लाइन चला सकें। इस तरह का कनेक्शन हम चेंज ओवर के कनेक्शन से करके मैंने इस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। यानी कि हमारे पास एक सप्लाई और तीन मेन लाइन है और हम इन तीनों मेन लाइन को दो चेंज ओवर लगाकर अपने घर की सप्लाई को यूज कर सकते हैं। दोस्तों कनेक्शन करना बहुत ईजी है, जो कि आप इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे। इसमें हमने तीन MCB DP लगाई हुई है और दो चेंज ओवर MCB ली हुई है और घर की सप्लाई के तौर पर एक बल्ब लगाया हुआ है। और सारे कनेक्शन दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप तीन लाइन का कनेक्शन आसानी से समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों कनेक्शन शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें तीन MCB DP लगी हुई है, इसमें जैसे कि तीन तरीके की लाइन जुड़ी हुई है। मेन लाइन ये ब्लैक और रेड कलर की आप तार देख रहे होंगे, ये न्यूट्रल एंड फेस है। तो तीनों MCB DP में ये मेन लाइन जोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं चेंज ओवर कनेक्शन करूँगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जैसे कि मैंने और भी अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है इलेक्ट्रिक से संबंधित, आप किसी भी चीज़ का कनेक्शन देखना हो, सारे कनेक्शन मेरे चैनल पे हर तरीके की वीडियो पड़ी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको हर तरीके का कनेक्शन मिलेगा। और मेरी आने वाली और भी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कनेक्शन की वीडियो मैं डालता रहूँगा और मेरी वीडियो आपसे छूटना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले MCB में लाइन जोड़ दी थी मेन लाइन, दूसरी में भी जोड़ दी और ये तीसरी में भी मैंने मेन लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम MCB से चेंज ओवर कनेक्शन करेंगे और सिर्फ एक सप्लाई निकालेंगे। जैसे कि मैंने ये बल्ब रखा हुआ है 0 वाट का, इसी को हम अपनी समझो कि घर की सप्लाई बना रहे हैं। जैसे कि इसको मैं चेंज ओवर में कनेक्शन करूँगा, इसी से आपको पता चलेगा कि घर की सप्लाई कहाँ जुड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों MCB DP में मैंने ऊपर से सप्लाई भी जोड़ ली है, जो सप्लाई निकलती है MCB से, नीचे तो मेन लाइन है, ऊपर सप्लाई हो गई। अब यही सप्लाइयाँ चेंज ओवर कनेक्शन में जोड़ी जाएंगी, जैसे कि दो चेंज ओवर रखे हुए हैं यहाँ पे, इन्हीं दोनों चेंज ओवर में ये मेन लाइन का कनेक्शन करके सिंगल सप्लाई निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये दोनों मेन लाइन, दोनों DP से जो सप्लाई निकाली थी हमने, ये चेंज ओवर में जोड़ दिए हैं। जहाँ मेन लाइन का मेन कनेक्शन होता है चेंज ओवर में, वहीं पे हमने ये दोनों तार जोड़ दिए हैं। ऊपर के साइड में एक मेन सप्लाई है और नीचे की साइड में एक दूसरी मेन सप्लाई, और ये जो दूसरा चेंज ओवर है इसमें हम तीसरी सप्लाई जोड़ रहे हैं।
तीसरी सप्लाई जोड़ने के बाद आगे कनेक्शन हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों जैसे कि मैंने दो सप्लाई एक चेंज जोन में जोड़ दी, एक सप्लाई तीसरी सप्लाई थी वो दूसरे चेंज जोन में जोड़ दी। अब जो चेंज जोन में जो सप्लाई निकलती है ऊपर से, उस सप्लाई में से निकाल के हमने चेंज जो दूसरा वाला चेंज ओवर है उसमें हमने मेन लाइन दे दी इसे, जो दूसरा कनेक्शन होता है। तो चेंज जोन में मेन लाइन का कनेक्शन तो पूरा हो गया। अब ये जो दूसरा चेंज ओवर बचा हुआ है, ऊपर की सप्लाई बची हुई है, इसमें इसी में हमारे घर की तार जोड़ी जाएगी, जैसा कि मैं बल्ब का तार जोड़ के आपको चेकिंग करके समझा सकूँगा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ, हर एमसीबी से ऑन ऑफ करके दिखा दूँगा कि किस तरीके से हम तीनों मेन लाइन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये पहली एमसीबी डीपी है, और ये दूसरी है, और ये तीसरी है। अब इसमें चेंज ओवर से हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हमारे इसमें समझो कि पहली सप्लाई चल रही है, इन दोनों डीपी का कनेक्शन इसमें नहीं आएगा और ना कोई फॉल्ट होगा। तो ये पहली एमसीबी से हमारे घर की लाइट समझ लो, जैसे कि बल्ब चल रहा है, तो ये घर की सप्लाई हमारी पहली एमसीबी से हो गई। अब चेंज ओवर से हम चेंज करेंगे दूसरी सप्लाई के लिए। ये हमने ऊपर कर दिया चेंज ओवर को, तो ये हमारे दूसरी डीपी पे आ गई। अब हम दूसरी डीपी से लाइन को चला सकते हैं, ये जो बाकी दो डीपी है काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से तीसरा कनेक्शन भी इसी तरह से टेस्टिंग होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेंज ओवर हमने नीचे कर दिया और ये अब तीसरी लाइन पर आ गया। अब वो बाकी जो दो एमसीबी डीपी लगी हुई है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। तो इसी तरीके से हम कनेक्शन करके तीन मेन लाइन से एक सप्लाई को चला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों और भी ऐसे ही कनेक्शन के लिए आप कमेंट करके बताएं कैसे कनेक्शन की आपको जानकारी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से भी मुझसे मैसेज करके पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।